Good morning, children. Today we are going to read lesson 15, The Glorious Whitewasher from class 7th. The lesson is an extract from the famous book, The Adventure of Tom Sawyer by Mark Twain. Tom, the main character, is a naughty boy and had been some troublesome at home. One day, after playing and fighting with other boys, he came late at night. His aunt saw his dirty clothes and decided to turn his Saturday into a day of hard work. But in the end of the lesson, Tom had turned his hard work into a good day. He enjoyed his day with wit of managing the wrong things in a right way. And this is a real world of children. Okay, children, तो इस कहानी में हम देखेंगे टॉम जो है एक मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का. उसकी आंट ने उस पर गुस्सा होकर के डिसाइड किया कि उसका जो सैटरडे है उसको एक बहुत ही हार्ड डे में बदल दिया जाए, यानी कि उसको बहुत सारा काम वर्क दे दिया जाए जिससे वो सैटरडे उसका जो है वो हार्ड डे बन जाए. लेकिन एंड में क्या हुआ है, टॉम ने अपने हार्ड डे को एक गुड डे में कैसे चेंज किया, ये हम स्टोरी में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हाउ डू यू गेट हेल्प व्हेन यू हैव लॉट ऑफ वर्क? जब आपके पास बहुत सारे काम हो जाते हैं तो आप कैसे हेल्प लेते हैं? ओके, नाउ कम टू द लेसन, द ग्लोरियस व्हाइट वॉशर. हियर द ग्लोरियस मीन्स फेमस, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं शानदार. व्हाइट वॉशर, अ पर्सन हु पेंट्स वॉल, बिल्डिंग, रूम्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुताई करने वाला. ओके, इट वॉज सैटरडे मॉर्निंग एंड ऑल द समर वर्ल्ड वॉज ब्राइट एंड फ्रेश. देयर वॉज अ सॉन्ग इन एवरी हार्ट. There was cheerfulness in every face and spring in every step. The blossoms filled the air. Cardiff Hill was green with vegetation. Let's see some meaning. Cheerfulness, prasannata, blossoms, kaliya, vegetations, vanaspati, yeah, plants. It was Saturday morning and all the summer world was bright and fresh. There was song in every heart. There was cheerfulness in every face and spring in every step. The blossoms filled the air. Cardiff Hill was green with vegetation. ये Cardiff Hill के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पर Saturday morning की बात कही जा रही है, और वहाँ का माहौल जो था बहुत ही खुशनुमा था. हर एक के चेहरे पर, हर एक के फेस पर, हार्ट पर एक cheerfulness था, जो कि वहाँ के हर एक के हार्ट पर, हर एक के फेस पर एक cheerfulness था, ये बताने की कोशिश की गई है इस पैराग्राफ में. टॉम अपीयर्ड ऑन द साइड वॉल विथ अ बकेट ऑफ वाइट वॉश एंड अ लॉन्ग हैंडेड ब्रश. ही सर्वेड द फेंस एंड ऑल ग्लेडनेस लेफ्ट हिम. इट वॉज अ 30 yards ब्रॉड फेंस, 9 feet हाई. लेट्स सी सम मीनिंग. फेंस यानी होता है घर का जो बाड़ा होता है या घेरा. सर्वेड यानी निरीक्षण किया, जो कि सर्वे का पास्ट टेंस है. ग्लेडनेस प्रसन्नता. अब टॉम एक बकेट लेकर के और लॉन्ग हैंडेड एक ब्रश लेके वो फेंस के सामने से आता है और वो सर्वे करता है, वो निरीक्षण करता है किसका, फेंस का. और जैसे ही वो देखता है फेंस को चारों तरफ, उसके चेहरे से जो सारी खुशी है, प्रसन्नता है, वो गायब हो जाती है. इट वॉज 30 yards ब्रॉड फेंस, और जो फेंस था बाड़ा जो घेरा था वो 30 yards और 9 feet हाई. तो उसकी वो लंबाई और चौड़ाई देख करके उसके चेहरे से सारी खुशियाँ गायब हो जाती है. साइंग ही डिप्ड हिज ब्रश एंड पैडेड इट अलोंग द टॉप मोस्ट प्लैंक. डिड इट अगेन आफ्टर रिपीटिंग द जॉब 2 or 3 times. ही सेट ऑन ट्री लॉग. सम डिफिकल्ट वर्ड्स. साइंग यानी गहरी सांस लेना. प्लैंक यानी तख्ता, जो लकड़ी का जो बना होता है. ट्री लॉग, तो लोग जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं एक पेड़ का तना है. साइंग ही डिप्ड हिज ब्रश एंड पैडेड इट अलोंग द टॉप मोस्ट प्लैंक. साइंग वो गहरी सांस लेते हैं. अब उसको पता है कि पनिशमेंट तो मिला है आंट से, तो उसे काम पूरा करना ही है. तो वो काम शुरू करने से पहले गहरी सांस लेता है और अपने ब्रश को वो डिप करता है, और डिप करने के बाद वो टॉप मोस्ट प्लैंक पर, जो उसका जो फेंसिंग जो थी उसमें, वो जो टॉप मोस्ट पर से वो स्टार्ट करता है करने के लिए, और ये 2 या 3 बार करता है. फिर वो आकर के वो ट्री लॉक पर बैठ जाता था. फिर 2-3 बार करता है, फिर वो ट्री लॉक पर आके बैठ जाता था. नाउ कैन यू टेल मी, व्हाई डिड टॉम सिट ऑन अ लॉग?
आफ्टर रिपीटिंग द जॉब 2 or 3 times. टॉम जो है वो 2 या 3 बार करने के बाद इस काम को वो बार बार ट्रीलॉग में आके बैठ जा रहा था. जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि टॉम वॉज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि जिस काम में हमको इंटरेस्ट नहीं होता उस काम को हम बोर हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि उस काम को जल्दी छोड़ करके हम चले जाएं. तो ये भी टॉम के साथ हुआ है. जिम केम स्किपिंग आउट एट द गेट विथ अ टिन पेल. ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पंप. टॉम ऑलवेज हेटेड दिस वर्क टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पंप. ही न्यू दैट जिम शुड कम आफ्टर 1 or 2 hours. स्किपिंग यानी कूदते हुए, पेल यानी होता है बर्तन, घड़ा या बकेट भी कह सकते हैं, बाल्टी भी कह सकते हैं यहाँ पर. तो जब टॉम पेंट करते हुए 2-3 बार करने के बाद वो लॉग वुड में बैठ जा रहा था, तभी वो देखता है कि टॉम जिम जो है वो स्किपिंग करते हुए आता है गेट से बाहर और उसके हाथ में एक टिन पेल है. और वो कहाँ जा रहा था? ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम टाउन पम्प. और वो टाउन पम्प जा रहा था टू ब्रिंग वाटर. टॉम ऑलवेज हेटेड दिस वर्क टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पम्प. और ये जो काम था जो जिम कर रहा था, इस काम से वो हमेशा ही हेट करता था. कौन? टॉम. ही न्यू दैट जिम शुड कम बैक आफ्टर 1 or 2 hours. और टॉम जानता था कि जिम जो है वो 1-2 घंटे में वापस आ जाएगा. बट टॉम रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज कंपनी एट द पम्प. वाइट एंड नेग्रो बॉयज एंड गर्ल्स वेर ऑलवेज वेटिंग देयर टर्न्स, रेस्टिंग, ट्रेडिंग प्लेथिंग्स, क्वारलिंग एंड फाइटिंग. कुछ टिपिकल वर्ड्स देख लेते हैं. रिमेंबर्ड यानी याद किया, जो कि रिमेंबर का पास्ट टेंस है. ट्रेडिंग, ट्रेडिंग यानी होता है आदान प्रदान करना एक दूसरे से. क्वारलिंग यानी लड़ते झगड़ते हुए. बट टॉम रिमेंबर दैट देयर वॉज अ कंपनी एट द पम्प. जिम को जाते हुए तो उसने देखा था कि वो पानी भरने जा रहे हैं वाटर पम्प के पास, लेकिन उसको याद आया कि वहाँ जहाँ पर वाटर पम्प है वहाँ एक कंपनी होती है वाइट एंड नेग्रो बॉयज की, जहाँ पर लोग अपना टर्न का वेट करते हैं और इसी बीच में क्या करते हैं, वो रेस्ट करते हैं, अपने प्ले थिंग्स को वो ट्रेड करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं और इसी तरह वो अपना टाइम पास करते हैं. टॉम कॉल्ड जिम, आई विल फेच द वाटर इफ़ यू विल वाइट वॉश सम. ओह नो, सेड जिम. जिम, आई विल गिव यू अ मार्बल, इवन आई विल शो यू माई सोर टो. यहाँ टॉम और जिम के बीच एक कन्वर्सेशन दिखाया गया है. लेट्स सी सम मीनिंग. फिच यानी होता है लाना, सोर टो यानी चोटिल अंगूठा. टॉम कॉल्ड जिम. अब जिम अपना पैर लेके वो वाटर पम्प जाते रहता है पानी भरने के लिए. तो इसी बीच में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम टॉम कॉल्ड जिम. और वो क्या कहता है, टॉम कॉल्ड जिम, I will fetch the water if you will whitewash some. Tom कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा वाइट वॉश कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए वाटर ला सकता हूँ. Oh no, said Jim. Jim कहता है नहीं. फिर Tom क्या कहता है, I will give you a marble, even I will show you my sore toe. तो Tom क्या कहता है कि मैं तुमको मार्बल दूंगा, इवन आई विल शो यू माई सोर टो, मैं अपना सोर टो जो मेरे पैर के अंगूठे में चोट लगी मैं तुमको वो भी दिखाऊंगा. जिम वॉज ओनली ह्यूमेन, दिस अट्रैक्शन वॉज टू मच फॉर हिम. ही पुट डाउन हिज पेल, टुक द मार्बल एंड बेंड डाउन टू सी सोर टो. बट लो, इन अ मोमेंट टॉम वॉज फ्लाइंग इन द स्ट्रेट विथ हिज पेल. अट्रैक्शन यानी आकर्षण. जिम भी एक आम आदमी ही था और उसके लिए अट्रैक्शन काफ़ी था कि उसको मार्बल चाहिए थे और टॉम का सोर्टो देखना था. वो जस्ट ही पुट डाउन हिज पेल एंड टुक द मार्बल. वो अपना जो बकेट था उसको नीचे करता है और मार्बल को पकड़ता है एंड बेंड डाउन, और वो टॉम का सोर्टो देखने के लिए वो झुकता है. जैसे ही झुकता है वो क्या देखता है कि टॉम जो है वो पेल को लेकर के वो गायब हो जाता है. या फ्लाइंग का मतलब है कि वो इतनी तेजी से वो रन किया कि वो कुछ ही देर में वहाँ से वो गायब ही हो गया. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लाइंग इन द अबव सेंटेंस. इस सेंटेंस में फ्लाइंग का मीनिंग क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि टॉम ने बकेट लेकर के इतनी तेजी से वहाँ से रन किया कि वो दिखाई नहीं दिया, मतलब ऐसा लगा कि वो उड़ के गायब हो गया. टॉम वॉज वाइट वॉशिंग, शोविंग ऑल हिज हैप्पीनेस. लिटिल बेन वॉज मेकिंग नॉइस विथ हिज टॉय, टिंगल लिंगल लिंग, टिंगल लिंगल लिंग. अब
टॉम यहाँ, अब उसको पता है टॉम को कि इट वॉज़ अ पनिशमेंट फॉर मी टू डू टू वाइट वॉश, ओके। तो वो अपने काम को करने में वो हैप्पीनेस दिखा रहा था। तभी वहाँ से लिटिल बेन गुजरता है अपने टॉय के साथ खेलते हुए और एक नॉइस करते हुए, टिंगलिंगलिंग टिंगलिंगलिंग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बच्चे अपने टॉयज के साथ खेलते हैं और अपनी मस्ती में वो नॉइस निकालते हैं। तो यही लिटिल बेन कर रहा था। टॉम पेड नो अटेंशन। बेन वेंट अप टू टॉम विद द एप्पल ही वॉज ईटिंग। टॉम्स माउथ वॉटर्ड फॉर द एप्पल। बेन सेड, हेलो हे, यू आर वर्किंग? टॉम, ओ इट इज यू, डिड नॉट नोटिस, विच वर्क यू सेड? अब यहाँ पर अटेंशन यानी ध्यान और नोटिस यानी होता है देखना या ध्यान देना। जब टॉम ने देखा कि लिटिल बेन वहाँ से गुजर रहा है लेकिन टॉम ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब बेन वेंट टू द टॉम, बेन जो है वो टॉम के पास जाता है और वो एप्पल खाते रहता है। तो एप्पल खाते हुए वो टॉम के पास जाता है, तो ये एप्पल देख करके टॉम के मुंह में पानी आ जाता है। टॉम्स माउथ वाटर्ड फॉर एप्पल। तभी बेन कहता है, हेलो हे यू आर वर्किंग? बेन पूछता है कि तुम काम कर रहे हो? तो टॉम क्या कहता है, ओ इट इज़ यू, तुम थे, डिड नॉट नोटिस, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, विच वर्क यू सेड, तुमने किस काम के बारे में कहा? ये कन्वर्सेशन बेन और टॉम के बीच में बता रहा है। टॉम जान रहा है कि वो काम कर रहा है लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वो चाहता था कि बेन को भी इस काम में इंटरेस्ट आए, इसलिए उन्होंने ऐसा दिखाया, टॉम ने ऐसा दिखाया कि उसको वाइट वॉशिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। और वो यहाँ पर एक ट्रिक कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ कि उनको भी इंटरेस्ट आए, उनके फ्रेंड्स को भी इंटरेस्ट आए और वो उसके साथ वाइट वॉश में हेल्प करे। बेन, दैट वर्क? टॉम, ओ दैट वर्क, डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस एवरी डे? बेन, लेट मी डू इट। टॉम, नो नो, इट हैज़ टू बी डन केयरफुली। बेन, ओ ओ आई वॉन्ट टू ट्राई, ओनली अ लिटिल टॉम। अब बेन कहता है, दैट वर्क? जब टॉम पूछता है किस काम के बारे में तुम कह रहे हो, तो बेन क्या कहता है, दैट वर्क, मैं इस काम के बारे में कह रहा हूँ। टॉम फिर क्या कहता है, ओ दैट वर्क, तुम इस काम के बारे में कह रहे हो, और ये जो काम जो है ये थोड़ी ना किसी बॉय को डेली करने को मिलता है, एवरीडे करने को मिलता है। डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेस एवरीडे? फेस को वाइट वॉश करने का चांस क्या एवरीडे किसी बॉय को मिलता है? तो बेन कहता है, लेट मी डू इट, मुझे भी करने दो। तो टॉम क्या कहता है, नो नो इट हैज़ टू बी डन केयरफुली। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि काम तो टॉम के लिए बहुत हार्ड था लेकिन वो चाह रहा था कि सभी का अट्रैक्शन उसके काम की तरफ आए और वो सभी किसी न किसी तरीके से उसकी हेल्प करे, इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है, ऐसा शो करना चाह रहा है कि उसको वाइट वॉशिंग करने में बहुत इंजॉय कर रहा है वो। तो फिर बेन क्या कहता है, ओ आई वॉन्ट टू ट्राई, ओनली अ लिटिल टॉम। बेन कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा ट्राई करने दो, थोड़ा सा ही करने दो टॉम। टॉम, जिम वॉन्टेड टू डू इट बट आई डिड नॉट अलाउ। बेन, ओ आई वॉन्ट अ लिटिल। टॉम, टेक माई एप्पल, आई विल डू इट केयरफुली। टॉम, ओ ओके देन बी केयरफुल। ही गेव अप द ब्रश, टुक द एप्पल, सेट ऑन द ट्री लॉग, ईटिंग द एप्पल पीसफुली। अब यहाँ पर अपने टॉम ने क्या कहा, जिम वॉन्टेड टू डू इट, जिम भी ये करना चाहता था लेकिन मैंने उसको अलाउ नहीं किया, मैंने उसको अनुमति नहीं दी। तो बेन क्या कहता है, ओ आई वॉन्ट अ लिटिल, मुझे भी थोड़ा सा करने दो। टॉम, टेक माई एप्पल, आई विल डू इट केयरफुली, तुम मेरा एप्पल रख लो और मैं तुम्हारा वाइट वॉशिंग का काम में बहुत केयरफुली करूँगा। तो टॉम कहता है, ओके देन बी केयरफुल, सावधानी से वाइट वॉशिंग करो। वो क्या करता है फिर, टॉम ही गेव अप द ब्रश, उसको ब्रश को देता है और टुक द एप्पल, यानी वो वाइट वॉशिंग के लिए देता है और एप्पल को वो बेन से ले लेता है और ट्री लॉग पर बैठ करके वो पीसफुली एप्पल वो खाना शुरू करता है। देयर वॉज नो लैक ऑफ मटेरियल्स। बॉयज केम, रिक्वेस्टेड हिम टू वाइट वॉश, पेइंग अ लॉट ऑफ देयर ट्रेजर। टॉम सोल्ड द चांस ऑफ वाइट वॉशिंग टू बिली फिशर फॉर अ काइट, जॉनी मिलर फॉर अ डेड रैट एंड अ स्ट्रिंग टू स्विंग इट विथ। लेट्स सी सम डिफिकल्ट वर्ड्स। लैक ऑफ यानी होता है कमी या अभाव, पेइंग भुगतान करते हुए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देयर वॉज नो
लैक ऑफ मटेरियल्स, वहाँ कोई भी मटेरियल का अभाव या कमी नहीं थी। बॉयस आते गए और वो रिक्वेस्ट करते गए और अपना जो ट्रेजर था, बच्चों के लिए ट्रेजर क्या होता है, उनके टॉयज होते हैं, तो वो अपना टॉयज देते गए किसको, टॉम को। टॉम सोल्ड द चांस ऑफ वाइट वॉशिंग, और टॉम क्या कर रहा था, जो वाइट वॉशिंग का चांस था वो सोल्ड कर रहा था, यानी कि वाइट वॉशिंग का चांस वो अपने फ्रेंड्स को दे रहा था और रिटर्न में वो अपने फ्रेंड से उनके टॉयज ले रहा था। तो टॉम ने बिली फिशर को क्या दिया, वाइट वॉशिंग का चांस दिया, और इन रिटर्न वो क्या लिया, काइट। जॉन मिलर से वो क्या लिया, एक डेड रेट, और उसको स्विंग करने के लिए एक स्ट्रिंग, ठीक है। बाय आफ्टरनून टॉम हैड द ट्रेजर ऑफ 12 मार्बल्स, पार्ट ऑफ अ हार्प, अ पीस ऑफ ब्लू बॉटल टू लुक थ्रू अ ग्लास, अ की दैट वुड नॉट अनलॉक एनीथिंग, अ टिन सोल्जर, अ कपल ऑफ टैडपोल, 6-5 क्रैकर्स, अ किटन विथ ओनली वन आई, अ ब्रास डोर नॉक, अ डॉग कॉलर बट नो डॉग, द हैंडल ऑफ अ नाइफ, 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज पिल एंड अ डिलैपिडेटेड ओल्ड विंडो फ्रेम। लेट्स सी सम डिफिकल्ट वर्ड्स, ओके। ट्रेजर यानी होता है खजाना, यहाँ बच्चों के लिए खजाना से मतलब क्या है, टॉय से है, उनका वैल्यूएबल थिंग से है, बच्चों के लिए तो वही वैल्यूएबल होता है जिसे वो खेलते हैं। हार्प, हार्प एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। टैडपोल, टैडपोल मेंढक का बच्चा होता है, मेंढक के बच्चे को टैडपोल कहते हैं। फायर क्रैकर्स फटाखे, सोल्जर सिपाही, किटन बिल्ली का बच्चा, पिल यानी छिलका, डिलेपिडेटेड यानी टूटा फूटा। आफ्टरनून तक टॉम के पास बहुत सारे ट्रेजर इकट्ठा हो गए थे, जिसमें क्या क्या थे, 12 मार्बल्स, मार्बल्स यानी कंचे, पार्ट ऑफ अ हार्प, अ पीस ऑफ ब्लू बॉटल टू लुक थ्रू अ ग्लास, अ की दैट वुड नॉट अनलॉक एनीथिंग, यानी कि उसके ट्रेजर्स में क्या क्या इकट्ठा हो गए थे, मार्बल्स, 12 मार्बल्स और पार्ट ऑफ अ हार्प, एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है हार्प जिसका एक पार्ट, और एक ब्लू बॉटल का पार्ट जो जिसके थ्रू वो देख सकते थे, एक की जो किसी भी लॉक को अनलॉक नहीं कर सकती थी, और टिन सोल्जर एक टिन सिपाही, अ कपल ऑफ टैडपोल एक टैडपोल, कपल ऑफ टैडपोल यानी कि वहाँ पर मेंढक के दो छोटे छोटे बच्चे थे, 6 फायर क्रैकर्स फटाके, अ किटन विथ ओनली वन आई एक छोटी सी बिल्ली थी जिसकी केवल एक आँख थी, अ ब्रास डोर नोक, अ डॉग कॉलर बट नो डॉग, डॉग कॉलर तो था लेकिन वहाँ पर कोई डॉग नहीं था, अ हैंडल ऑफ नाइफ, 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज पिल, यहाँ ऑरेंज नहीं है, यहाँ पर ऑरेंज का पिल है यानी कि ऑरेंज का छिलका है, एंड अ डिलेपिडेटेड ओल्ड विंडो फ्रेम और एक टूटा फूटा हुआ विंडो फ्रेम, यू कैन सी इन द पिक्चर्स। तो ये जो थिंग्स थे ये ट्रेजर है बच्चों के लिए। ही हैड अ नाइस कंपनी, आइडल टाइम, एंड द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, आइडल मीन्स है खाली या व्यर्थ। तो आप लोगों ने देखा कि टॉम ने कैसे अपना डे ऑफ हार्ड वर्क को वो एक गुड डे में चेंज कर लिया, और इसके साथ ही साथ उसने अपना एक बहुत बड़ा एक ट्रेजर भी इकट्ठा कर लिया, तो और उसका जो वाइट वॉशिंग का जो काम था, उसका जो फेंस था, वो 3 टाइम्स वाइट वॉश भी हो गया। और इस तरह से टॉम अपने, वो ने देखा कि टॉम ने कैसे अपना काम पूरा भी कर लिया और वो अपना डे एक हैप्पी डे में चेंज भी कर लिया। द फेंस वॉज वाइट वॉश्ड, हु डिड इट, फेंस 3 टाइम्स कोट हो चुका था लेकिन ये किसने किया, यस टॉम्स फ्रेंड। नाउ कम टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाउन, द नेम ऑफ द टाउन इज कार्डिफ हिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वॉज द वर्क अलॉटेड टू टॉम, टॉम को क्या वर्क दिया गया था, द वर्क ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द फेंस वॉज अलॉटेड टू टॉम, या यू कैन से दैट टॉम वॉज अलॉटेड द वर्क ऑफ वाइट वॉशिंग द फेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट अट्रैक्टेड जिम, जिम को क्या अट्रैक्ट किया, जिम वॉज अट्रैक्टेड टू सी द सोर टो ऑफ टॉम। लेट्स सी सम वोकैबुलरी सेक्शंस, एज यू हैव रेड इन द लेसन दैट टॉम गॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, टॉम को बहुत सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स के द्वारा मिली हुई थी, इसमें उस टॉयज के नेम्स को पजल के रूप में दिया गया है। मैं आपको एक लाइन बताऊंगी, आपको बताना है कि वो किस टॉय के बारे में कही जा रही है,
Okay? Pick out the things collected by Tom in the lesson. Write them down and complete the puzzle. First one is young one of frog. Young one means bacche. Frog ke bacche ko kya kehte hain? Seven letters word hai ye. Ji haan, tadpole. Second hai, you can see through it. Kiske through hum aar par dekh sakte hain? Jo ki Tom ko mila tha. Ye five letter word hai. Ji haan, glass. Correct answer is glass. Third, a musical instrument. That is four letters word. Harp. Now come to fourth one. Not the oranges, but the, yes, correct answer is peel. वो oranges नहीं मिला था उसको, क्या मिला था? Orange का peel, यानी छिलका. And last है, he got 12 of it. उसको 12 क्या मिला था? Marbles. Match the words in column A with their opposite in column B. आपको column A में कुछ words दिए गए हैं और उसके opposite दिए गए हैं column B में. आपको उन दोनों को match करना है और answer बताना है. मैं कॉलम ए के वर्ड्स को पढ़ दे रही और उसकी मीनिंग बता दे रही और कॉलम बी के भी, फिर आपको मैच करना है अपोजिट के साथ. कॉलम ए में है लाइक, लाइक यानी होता है पसंद करना, हैप्पीनेस खुशी, रिमेंबर याद करना, नोटिस ध्यान देना, केयरफुल यानी सावधानी पूर्वक. कॉलम बी में है नेगलेक्ट यानी नज़रअंदाज करना, फॉरगेट भूल जाना, डिसलाइक नापसंद, केयरलेस यानी लापरवाही और सॉरो यानी होता है दुखी. ओके, नाउ मैच देयर अपोजिट्स. लाइक, यस, डिसलाइक, हैप्पीनेस सॉरो, रिमेंबर फॉरगेट, नोटिस अपोजिट इज नेगलेक्ट एंड केयरफुल एंड इट्स अपोजिट इज केयरलेस. दिस इज ग्रामर पोर्शन. एड नेस टू द एडजेक्टिव्स टू फॉर्म नाउन्स. एड सम मोर वर्ड्स. फर्स्ट वन इज गिवन फॉर यू, ग्लैड. जस्ट एड नेस्ट टू ग्लैड एंड द न्यू वर्ड इज ग्लैडनेस. इसका मतलब हम एडजेक्टिव में हम यदि नेस्ट प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमको एक नया वर्ड मिलता है, वो है नाउन. जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा ग्लैड के साथ नेस्ट जोड़ने से क्या मिल गया, ग्लैडनेस. हैप्पी प्लस नेस हैप्पीनेस. तो यहाँ हैप्पीनेस में जो हैप्पी का जो वाई है एंडिंग लेटर है वो आई में बदल जाता है. जब ये नाउन होता है, नाउन बनाते हैं, तो हैप्पी कोई भी वर्ड में अगर लास्ट एंडिंग अगर लेटर वाई होता है तो वो आई में चेंज हो जाता है. यानी हैप्पीनेस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, एच ए पी पी आई एन ई एस एस, हैप्पीनेस. जो वाई है वो आई में चेंज हो जाता है जब हम नेस लगाते हैं. ओके, काइंड प्लस नेस काइंडनेस, पोलाइट प्लस नेस पोलाइटनेस, रिच प्लस नेस रिचनेस, गुडनेस क्या हो जाएगा, गुडनेस. ओके बच्चों, इस लेसन में आपको इफ फर्स्ट कंडीशन के बारे में जानना है. तो जैसे कि हम एक स्टूडेंट अपने कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं और टीचर उसको सॉल्व करने के लिए रास्ता बताते हैं. ओके, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है सरिता, वो अपने टीचर से एडवाइस ले रही है और उनके टीचर उनको एडवाइस दे रहे हैं. तो जैसे एक सेंटेंस क्वेश्चन कैसे है इसका, वर्क इन पेयर्स. ये आपको पेयर में करना है, वर्क इन पेयर्स एंड मेक सेंटेंसेस सिमिलर टू द एग्जाम्पल. ये आपको एग्जाम्पल भी दिया जाएगा, इसमें आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है. सरिता वॉन्ट्स टू डू मेनी थिंग्स, सरिताज टीचर गेव हर एडवाइस. ओके, सरिता जो है वो मेनी थिंग्स करना, वो बहुत सारी चीज करना चाहती है और वो अर्जुन की जो टीचर है वो उनको एडवाइस दे रहे हैं. तो वो जो काम जो करना चाह रही है वो अपने टीचर को बताती है और वो टीचर उनको कैसे एडवाइस दे रहे हैं ये हम देखेंगे. तो एक एग्जाम्पल है, सरिता वॉन्ट्स टू, सरिता क्या चाहती है, पास द एग्जामिनेशन एंड टीचर गेव हर एडवाइस वर्क हार्ड. तो इसको हम इफ के साथ सेंटेंस में कैसे फ्रेम करेंगे, तो ये इफ यू वर्क हार्ड, टीचर ने क्या कहा, टीचर ने क्या एडवाइस दिया, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन. ओके, तो इसी तरह आपको जो नीचे के जो दिए हुए हैं, सरिता ने क्या कहा और टीचर ने क्या एडवाइस दिया, तो इसको आपको इफ के साथ आपको फ्रेम करना है. जैसे सरिता वॉन्ट्स टू विन द मैच, विन द मैच, वो चाह रही है विन द मैच. टीचर ने क्या कहा, प्ले वेल. तो इसको आप कैसे मैच करेंगे, ओके, इफ यू प्ले वेल यू विल विन द मैच. सरिता वॉन्ट्स टू बी हेल्दी एंड टीचर एडवाइज्ड हर टेक मिल्क डेली. नाउ फ्रेम इन सेंटेंस,
If you take milk daily, you will be healthy. Now, Sarita wants to stand first in class test. And teacher advised her, learn well. अब इसको कैसे फ्रेम करेंगे? If you learn well, you will stand first in class test. Okay? Now, one homework for you. Using the pictures given below, complete the following story. आपको एक पिक्चर दी गई है, आपको उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टोरी फ्रेम करनी है. कुछ क्लोज भी दिया गया है इसके लिए. ओके, जैसे मैं रीड कर देती हूँ. और डैश वॉज सीटिंग ऑन अ स्टम्प ऑफ अ डैश. इट वॉज डैश हैप्पीली सडनली डैश 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 देयर. दे सॉ द डैश डैश ऑन द डैश. दे डैश ऑन द डैश द फिर डैश डैश अवे. तो आपको डैश जितने भी डैश दिए गए हैं उसमें आपको वर्ड फिलअप करना है और अपनी एक स्टोरी बनानी है थ्रू दिस पिक्चर. ये पिक्चर आपको क्लू के रूप में दिया गया है. पिक्चर के साथ आपको स्टोरी बनानी है. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग. थैंक यू.